हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आपके लिए बोले तो बहुत ही बैड न्यूज है। जी हाँ, हो रही है आपके साथ धोखाधड़ी। कैसे, कब, क्यों, हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इसका शिकार ना हो, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि आज एक खबर निकल के आई है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपने अवश्य देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पूरी वीडियो ये लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके भी साथ हो, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसके आसपास भी आओ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी क्या देख रहा होगा कि डायरेक्ट एडमिशन या धोखाधड़ी हो रही है, अवैध वसूली और बच्चों के साथ हो रहा है धोखा। जी हाँ, चलिए हम जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी गलती करने का मौका ना मिले और आप सावधानी बरतो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास ही में बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करा था, तो मैंने सोचा शायद वैसे ही, फिर मैंने उनके लिए एक वीडियो भी प्रोवाइड की कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं हो जाए तब तक आप डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। बट उन्होंने वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब कि वो भी इस में वो फंस गए हैं। उनको भी ज़्यादा वसूली मतलब कि ज़्यादा फीस देकर जो है वो डायरेक्ट एडमिशन दे दिया गया, और वो समझ रहे हैं कि हमें सही तरीके से जो है वो डायरेक्ट एडमिशन मिला है। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखिए क्या लिखा है। गोरख धंधा, निर्धारित राशि से अधिक फीस लेना बना संगल। जिले में 33 प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है प्रवेश। तो देखिए, काला धंधा इसे हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में, क्योंकि ये गलत तरीके से जो है वो आपका एडमिशन लिया जा रहा है, डायरेक्ट एडमिशन, और बहुत ज़्यादा पैसा वसूली किया जा रहा है आपसे, आपको धोखा दिया जा रहा है। तो देखिए क्या है पूरी खबर। डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए सौदेबाजी। तो पूरी खबर देखिए, 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश प्राइवेट कॉलेज सौदेबाजी पर उतर गए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग से आवंटित कॉलेजों में निर्धारित फीस के अलावा 15-20 हजार तथा अल्पसंख्यक कॉलेजों में सीधे प्रवेश की सीटों पर 3 लाख से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अब देखिए, 3 लाख से ज्यादा, ये क्या है, आप खुद सोचिए ये क्या है। हद तो यह है, प्रवेश के समय ही कुछ कॉलेजों ने सुविधाओं का रेट भी तय कर रखा है, देखिए ये क्या कर रहे हैं। और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अनिवार्यता अर्हता के रूप में 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षा अनिवार्य है। 1 दशक पूर्व केवल जिला एवं शिक्षा के बाद प्राइवेट कॉलेज जो है वो तेजी से खुले हैं, और यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 200 सीटों पर प्रवेश किए जाते हैं, जबकि 33 कॉलेजों में 2200 सीटें हैं। इस बार जुलाई में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहुंचने वाले छात्रों में से निर्धारित 39 हजार से कहीं अधिक राशि वसूली जा रही है, और कॉलेजों में 15-20 हजार तक ज़्यादा ले रहे हैं। तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने बोला था कि जो अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले तो फीस उतना ही लगता है 41 हजार, बट हमारा तो किसी ने बोला है कि 50 हजार, किसी ने बोला है कि 61 हजार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि फीस तो उतना ही लगता है, और जब तक नोटिस नहीं जारी होगा तब तक तो डायरेक्ट एडमिशन शुरू नहीं होगा। अगर डायरेक्ट एडमिशन ऐसे कॉलेजों में ले रहे हैं, मतलब कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं और आपसे अवैध वसूली कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एडमिशन तो होगा, बट जब तक नोटिस जारी नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा ना। तो मैं जैसे ही डायरेक्ट एडमिशन का नोटिस जारी होगा तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगी, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आप डायरेक्ट एडमिशन मत कराइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आप देख ही रहे हो कि जिले में अल्पसंख्यक कॉलेजों की कुल सीटों के सापेक्ष आदि पर स्वयं का अधिकार दिया गया है,
और देखिए यहाँ निर्धारित ऑनलाइन कॉलेज लग करते समय आपको सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपको जो है सरकारी में जो अगर आपको कॉलेज मिला है या फिर मान लो आप तो डायरेक्ट एडमिशन में मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकारी कॉलेज वह जैसे तैसे करके काउंसलिंग में फुल कर दी गई थी, ठीक है। और बची है प्राइवेट कॉलेज जो कि 88,000 प्लस जो है वो सीटें अभी भी खाली हैं, तो इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि आप इन चक्रों में ना पड़ो। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं होता तब तक डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा फ्रेंड्स, तो जैसे ही नोटिस जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। और रही बात जो कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, आपसे अवैध वसूली कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ठीक है, और इन चक्रों में बिल्कुल मत फंसिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर आपसे एक लाइक प्लस शेयर की उम्मीद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।